तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे ड्रग्स की जो को हम कहते हैं कार्बापिनम्स। ये भी क्या है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। जिस तरह हमने पिछले दो लेक्चर में बात की पेनिसिलिन्स की, सीफेलोस्पोरिन्स की, कार्बापिनम्स भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। इट इज़ अ क्लास ऑफ हाईली इफेक्टिव एंटीबायोटिक। ये ज़्यादातर आपको पता है जो हॉस्पिटल में आईसीयू होता है ना उसमें इस्तेमाल होती हैं। जो बड़े ख़तरनाक किस्म के इन्फेक्शन होते हैं ना, लाइफ थ्रेटनिंग या हाई रिस्क इन्फेक्शन, उनके लिए इस्तेमाल की जाती हैं कार्बापिनम्स, ठीक है। और ये क्लास ऑफ एंटीबायोटिक जो है ये खास करके मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल होती है, यानी वो बैक्टीरिया जो बहुत रेजिस्टेंट होता है। मुख्तलिफ तरह की एंटीबायोटिक भी उस बैक्टीरिया को नहीं मार सकती, फिर आपके पास कार्बापिनम्स का इस्तेमाल होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल वही है जिस तरह पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन का था, कि ये क्या करती हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है उसको इनहिबिट करती है, ठीक है। ये बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये बहुत मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया को किल करती हैं, ठीक है। और टिपिकली इनके खिलाफ रेजिस्टेंस भी इतनी नहीं है, यानी अब तक बैक्टीरिया इनके खिलाफ रेजिस्टेंस डिवेलप नहीं कर सके। अच्छा, ज़्यादातर इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन हैं, निमोनिया हो गया है या ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो गए, तो इसके लिए कार्बापिनम्स इस्तेमाल की जाती हैं। जो कार्बापिनम्स हैं उनमें ड्रग्स की मैं नाम बता दूँ आपको, एक ड्रग होती है मीरोपिनम, बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा इरटापिनम, इसके अलावा इमीपिनम, ये क्या है, ये छोटी छोटी ड्रग्स हैं कार्बापिनम्स की। इरटापिनम, मीरोपिनम, इमीपिनम, ये ड्रग्स होती हैं कार्बापिनम्स के अंदर, ठीक है। इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? नौजिया, वॉमिटिंग और स्किन के ऊपर रैश कॉज कर लेते हैं, और थोड़े से चांसेस हैं के सीजर्स भी, कभी कभी ये ब्रेन के अंदर सीजर्स भी कॉज करते हैं। कार्बापिनम्स के बाद जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज मोनोबैक्टम्स, ये भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। जिस तरह पेनिसिलिन्स, सिफेलोस्पोरिन्स और कार्बापिनम्स बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, इनके अंदर भी बीटा लैक्टम रिंग होती है और इनको भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। बट एक छोटा सा फर्क है, इनका रिंग किसी दूसरी रिंग से फ्यूज्ड नहीं है, ये बड़ी सिंपल सी ड्रग्स हैं। और ख़ास करके एरोबिक ग्रैम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे निजेरिया और सुडोमोनास एरोजिनोसा को किल करने के लिए मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक यूज़ होती है। इसके अंदर जो ड्रग आती है उस ड्रग का नाम है एज़ट्रियोनैम। मोनोबैक्टम एक क्लास है और उसके अंदर ड्रग का नाम है एज़ट्रियोनैम। जो बोन्स के अंदर इन्फेक्शंस हों, एंडोमेट्राइटिस, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस, निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या सेप्सिस यानी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो, तो एज़ट्रियोनैम इस्तेमाल की जाती है। और इसकी वजह से कभी कभी स्किन के ऊपर रैश भी आती है या लिवर के फंक्शंस भी थोड़े से एबनॉर्मल हो सकते हैं मोनोबैक्टम्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उनमें आती है ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, जो कि टोटली डिफरेंट ड्रग्स हैं फ्रॉम द अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स को।